हम दोस्तों, मेरा नाम है जैन और आप देख रही हैं जैन सी एच वाइब्स। सो अभी का सीन ये है कि गाइज मैं स्कूल से आया था, मैं नहा धो के अभी मैं बैठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है जी हमारे पास 3:18। सो 3:18 हो रहे हैं, वहाँ पे भी हो रहे हैं, घड़ी पे भी। सो गाइज अभी मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है, फिर अभी हमने देखना है, हमने करना क्या है। चलिए अभी हम फिलहाल मैं बैठा हूँ, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, चलो बाय बाय। और हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच कल, पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा खेला और हार गया यार, कोई फायदा नहीं हुआ, बट फाइनल जीतेगा, फाइनल यहाँ से जीतेगा दिल से। चलो यार बस हो गया, बाय बाय। जब भी मैं स्कूल आया था मैंने खाना खाया था, उसके बाद गई मुझे अब ना थोड़ा कुछ मसाले वाली चीज़ खाने का दिल कर रहा है, और मैंने मुझे याद आया कि मैंने एक लेस बेबी छुपा के रखी थी, चलिए उसे मिला दी। और मैं आपको बताता हूँ कौन सी बेस्ट जगह थी छुपाने के लिए, पहले मैंने छुपाई थी ओ वन ये करो, इसे लो, ऐसे करो, ऐसे करो, बोल लो, बैठ जाओ और बैठ जाएगा। गाइस बेस्ट जगह छुपाने के लिए होती है ओवन, किसी को नहीं पता चलता, जैसे मर्जी छुपाई रखो, किसी को कोई पता नहीं क्या चीज़ कहाँ पे करोगे। तो अब मैं दिखा रहा हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, बाय बाय। तो गाइस इसे मैंने यहाँ पे रखा है और मैंने देखा कि ये भी खुला है, ये भी खुला है। सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं ऐसे, और इसे भी बंद करना पड़ेगा, पैंट का भाई गर्म बहुत है तो यार बंद करना पड़ेगा। गाइस इस बैट को लेते हैं, गाइस ये बैट पहले बड़ा था, यहाँ से इसका कुचर कुचर हो के इतना सा हो गया, छोटा सा। तो चलो हम क्या, अब मैं वैसे ज़्यादा खेलता भी नहीं हूँ क्रिकेट, अगर खेलता हूँ तो किसी और का बैट होता है ना जिसका, उसी के बैट से खेलता हूँ। ये बैट कब से यूज किया, अबे यार। चलो भाई अभी हम जल्दी से आ जाओ गाइस, वो काम तो हो गया, इसी में यहाँ पे रखते हैं वापसी। और सो हम इसे खाते हैं, बाय बाय, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस मैं बाइक, क्योंकि मेरी साइकिल ठीक हो चुकी है दोनों, और गाइस मैंने अभी चलाया भी था और बहुत ही ज़्यादा चस आई थी, और मुझे लगी ऐसा लग रहा था पहाड़ के ऊपर बैठ के मैं साइकिल चला रहा हूँ। अभी भी बस अभी मैं आपको सुबह दिखाऊंगा अच्छे से, वो 6 बजे हो गया था, अभी तो 8 बज रहे हैं यार, वो ना मैं भूल गया था, मैं थोड़ा सा व्लॉग करूँ आपको बताना भूल गया था मतलब। तो चलिए फिर अभी बाय बाय, हो गया साइकिल वाला शुक्र। हाँ भाई जब मैं आया हूँ वही पुदीना तोड़ने, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पुदीना लगाए हुए, तो नहीं नज़र आ रहा जी, क्या है पुदीना ही है, माशाल्लाह सारा खराब है, कभी सही नहीं है, खुशबू तो आ रही है इसके अंदर से। चलो तोड़ लेते हैं यही, खैर है कैसे तोड़ते हैं, इसे तो काटते हैं ना आधा, याद आया जाके छुरी लेके आऊँगा। चलो यार सूखे पड़े हैं वैसे ही, फिर भी चलो ले आते हैं, खैर है मुझे गया तो चलिए गई है। तो गाइस वो कह रहे हैं बिना उसके छुरी के पत्ता पत्ता तोड़ लो क्योंकि ये अभी छोटा है, चलो फिर हम तोड़ लेते हैं, मुझे क्या। चलो यार ये भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया, मिट्टी बहुत है यार तुम्हें, कोई नहीं खुद धो लेंगे
है किया बिना नगना न जिया तेरे बगैर तू मान मेरी जान मैं तुझे को जाने ना दूंगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हेलो यार भाई इतनी बहुत है ना। और बेचारे को मैं क्या करूँ, छोटा सा तो है। हेलो यार सारे ही तोड़ लेता हूँ, कह रहे। और देखो गिर गए वो भी जो मैंने तोड़े थे। हेलो हो गया सिस्टम। अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ भाई, फाख्ता या फाख्ती पता नहीं, फाख्ता कहते हैं मेरे लड़के को भी। तो गाइस मैं अपने पुराने घर वाली साइड पे यहाँ पे प्रिंट में चेक करे हैं अभी। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ क्या। चलो गाइस आज जाए ना एक मिनट। तो गाइस आज आ रहे हैं मेरे मामू, वो उन्हें एयरपोर्ट से पकड़ लिया है और वो जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं हमारे घर। तो देखते हैं, चलो बाय बाय। अब मैं चक्कर लगाने आया था, मेरी साइकिल ठीक हो चुकी है, मैं आपको रुक के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका आगे वाला टायर पंचर था, बिल्कुल ठीक हो चुका है। और गाइस मैंने जब इसे चलाया काफ़ी टाइम बाद तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहाड़ पे बैठ के चला रहा हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह हाफिज़ बाय बाय। तो गाइस अब मैं नहा छा के आ गया हूँ, जब और मामू चले गए हैं, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए नहा के अभी। तो गाइस मामू मेरे लिए लाए थे एक ही वाली वॉच जो कि है 80 दरम, है ना, यही है, ये इसे ही कहते हैं ना, ये जो यहाँ पे लिखा होता है ये उसकी प्राइस ही है ना। यहाँ पे तो 80 लिखा हुआ है, 80 दरम की होगी पता नहीं। और यहाँ पे 30 दरम लिखा हुआ है, ये एक ये है, ये वॉलेट है, एक ये रेडी है और एक ये टोपी है। ये टोपी पे लिखा हुआ है 6.50 और एक वो टोपी है सामने जो पड़ी है। और कुछ चल रहे हैं बस, एक शर्ट मेरी थी वो क्या हुआ है? वो मेरी बड़ी थी वो तला तहा वो पहन लेगा मेरे पूरी। चलो अभी मैं ऐसे ही मिलता हूँ बाद में, बाय बाय। मगर एक चीज़ मैंने ना थोड़ी देर में देखा, ये मेड इन इंडिया है यार वॉलेट। ये देखिए यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है भाई। फोकस हो जा लाइट भाई, फोकस करो फोकस। हाँ ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इसे थोड़ा सा वो खैर यार इंडिया भी अच्छा मुल्क है। ओके गुड, चलो बाय बाय। और टोपी मेरे कुछ ऐसी लगती है वाओ। और ये वाली घड़ी थोड़ी सी मुझे छोटी करवानी पड़ेगी, ये इसके निकल जाते हैं क्योंकि मेरे बहुत बड़ी है। देखिए मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, वैसे ही साथ में पहनते नहीं है, मुझे पहन नहीं है अभी तो फिलहाल, मैं आपको पहन के दिखा देता हूँ। चलो इसमें पहन लेते हैं बस, टाइम गेम इसका सेट है। ये देखो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब गिरेगी तो नहीं अगर मैं पहन ही रखूँ, गिरती नहीं है। अरे यार ये उधर होगी, एक मिनट रुको। ये गिरती शिरती नहीं है वैसे, ऐसे ही अगर मैं करी रहूँ गिरेगी नहीं, बस फिर भी बड़ी है यार, ऐसे अच्छी लगती ना, छोटी हो जाएगी ये छोटी हो जाती होती है, फिर छोटी करवा लेंगे, बात ख़त्म बाय बाय। मैंने पहले यहाँ पे अपनी फ़ोटो रखी हुई थी इस जगह पे, यहाँ पे अरमानी के बाजू में। पहले मेरे पास था ये अरमानी वाला, अब मेरे पास है एक इंडिया का ब्रांड है जूटो, क्योंकि मेड इन इंडिया, इंडिया का योगा। और अब मैंने यहाँ पे रख दी है वाओ। गाइस अब जब मेरा इस क्लास का जब रिज़ल्ट आएगा ना, थर्ड टर्म का, जब अभी तो सेकंड टर्म का आएगा, उस पर जब थर्ड टर्म का आएगा उसकी भी मैं फ़ोटो निकाल लूँगा, वो भी इसकी लगती है। और इसी मैंने फिर से मनी 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 रख दी गया जो इसको मैं पढ़ा था। और इसी का ये भी बहुत अच्छा है गाइस वॉलेट, थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए ये थोड़ी सी ये निकलने लगी लेदर, क्योंकि लेदर पुरानी हो गई है, मगर देखने में इसकी लुक अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। चलो इसे हम अपनी पॉकेट में डालते हैं और ऐसे जिप को बंद कर लेते हैं और इसे
जाते हैं तो भाग के यहाँ पर रूम पड़ी है इसमें बैठे हैं तो बाय बाय इसे भी उठा लेते हैं वहाँ पे मेरे पोते बैठे हैं टोटो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग बाय बाय तो चलो भाई अभी मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड काफ़ी लंबा व्लॉग बन गया है तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर दीजिएगा अभी के लिए दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज और गाइस आप अगर नहीं भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो ऐसा दासी हो गया जिदा उंगलों चों